welcome everyone to Fun English Class. I'm your educator, Shubhish Srivastava. So guys, आज हम लोग बात करेंगे कुछ किचन के मसालों की। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। क्योंकि देखिए अभी जब लॉकडाउन हुआ था ना, तो मैं अपनी अगर बात करूं, मेरे घर में बहुत सारी नई नई डिशेस बनी थी, वो भी YouTube पे देख देख के। और बनाता कौन था? सब कुछ मेरी मम्मी बनाती थी। मेरी मम्मी जब भी YouTube पर कोई डिश देखती थी ना, सबसे पहले मुझे बुलाती थी, बेटा यहाँ आओ, जरा बताओ क्यूमिन सीड्स क्या होता है, कैरम सीड्स क्या होता है। मुझे इसीलिए लगा कि इन चीजों की इंग्लिश जानना सबसे ज्यादा जरूरी है लोगों के लिए, ताकि आप लोग इसको अपने डेली लाइफ में एक तो यूज कर पाए और दूसरा समझ भी पाए। तो लेट अस स्टार्ट विद आवर सेशन। सबसे पहले हम बात करेंगे कुछ बेसिक मसालों की, जो कि हम अपने सब्जी में जरूर डालते हैं। आप लोग मुझे एक बात बताओ, सब्जी हम जैसे ही बनाना स्टार्ट करते हैं ना, हम उसमें सबसे पहले क्या चीज डालते हैं? सबसे पहले हम देते हैं एक हींग का तड़का, चुटकी भर हींग। हींग की बात हुई है, हींग की इंग्लिश क्या होती है किसी को भी पता है? हींग की इंग्लिश होती है एसेफीटिडा। हींग की इंग्लिश होती है एसेफीटिडा। हींग के बाद में हम तड़का देते हैं, या तो जीरे का देते हैं, या मेथी के दाने का देते हैं, या हम देते हैं राई का या सरसों का। अब सबसे पहले हम जीरे की अगर बात करें, जीरे की इंग्लिश क्या होती है? जीरे की इंग्लिश होती है क्यूमिन सीड्स। अच्छा, ये तो हो गई जीरे की बात। जीरे के बाद में मान लीजिए हम जीरा नहीं डालते हैं, हम देते हैं मेथी के दानों का तड़का। और तो मेथी के दाने मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है, बहुत कड़वे से होते हैं मेथी के दाने। खैर, मेथी के दाने अगर हम डालते हैं तो मेथी की इंग्लिश होती है फेन्युग्रीक सीड्स। मेथी के दाने की इंग्लिश होती है फेन्युग्रीक सीड्स। अच्छा, ये तो बात हो गई मेथी के दाने की, लेकिन कई बार आपने देखा होगा कसूरी मेथी का नाम सबने सुना होगा ना, वो भी तो मेथी है, तो उसकी भी इंग्लिश यही होती है क्या? हाँ जी, उसकी भी इंग्लिश यही होती है। बस दाने में हमने क्या किया, सीड्स लगा दिया। लेकिन अगर हम पत्तियों की बात करते हैं ना, क्योंकि कसूरी मेथी की क्या है, पत्तियां होती है, उसको हम कहेंगे फेन्युग्रीक लीव्स। फेन्युग्रीक सीड्स कहेंगे मेथी के दाने को, और फेन्युग्रीक लीव्स कहेंगे कसूरी मेथी की पत्तियों को। तो चलिए, ये बात हमने कर ली क्यूमिन सीड्स की और फेन्युग्रीक सीड्स की। अब हम आते हैं राई के ऊपर या सरसों के ऊपर, उसकी इंग्लिश होती है मस्टर्ड सीड्स। वो भी तो एक तरीके की सीड है ना, उसकी इंग्लिश होती है मस्टर्ड सीड्स। अब ये तो बात हो गई जो जो चीजें हम अपनी सब्जी में डालती हैं, लेकिन सब्जी के साथ में पराठे या पूरी भी तो खाते हैं हम लोग। कहते हैं मम्मी अजवाइन वाली बढ़िया सी पूरियां बनाइए। अजवाइन, अजवाइन की इंग्लिश क्या होती है? अजवाइन की इंग्लिश होती है कैरम सीड्स। अजवाइन की इंग्लिश होती है कैरम सीड्स। आप लोग ने और एक ब्लैक ब्लैक कलर के सीड्स सबने देखे होंगे, जो कि सबके घरों में जब भी अचार वगैरह बनता है ना, तब डाले जाते हैं ब्लैक कलर की। इसको हम हिंदी में बोलते हैं कलौंजी। कलौंजी की इंग्लिश होती है नाइजेला सीड्स। कलौंजी को हम इंग्लिश में कहेंगे नाइजेला सीड्स। ये तो हमारे बात हो गई कुछ बेसिक मसालों की, जो कि हम अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं। बट अगर हम लोग इससे कुछ एडवांस में जाए, जब हमारे घर में थोड़ा अच्छा खाना बनना होता है, जब थोड़ा मसालेदार बढ़िया सा खाना, या कोई गेस्ट आ रहे हो उनके लिए खाना बनना होता है, तो हम बढ़िया सा मसालेदार खाना बनाते हैं, जिसमें हम जावित्री भी डालेंगे, दालचीनी भी डालेंगे। इन सब की इंग्लिश आज हम बात करते हैं क्या होती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लौंग वगैरह जो डालते हैं, लौंग, काली मिर्च, इन सब की। लौंग की इंग्लिश होती है क्लोव। आप लोग ने देखा होगा जो लौंग होती है ना, उसको हम दांत में दबाते हैं जब भी हमारे दर्द होता है। तो चाहे हम लौंग को दबा लें, और कई लोग लौंग का तेल लगाते हैं, तो अगर हम सिर्फ लौंग की बात करते हैं तो उसको कहेंगे क्लोव। लेकिन अगर हम लौंग के तेल की बात करते हैं ना, तो उसको हम लोग कहेंगे क्लोव ऑयल। अब बात करते हैं हम लोग इलायची, सबने देखी है ना, छोटी सी भी होती है और बड़ी भी होती है। इतनी बड़ी नहीं होती, इतनी बड़ी सी होती है। तो एक होती है काली इलायची, जिसको हम लोग कहते हैं बड़ी इलायची, जो हमारी जनरली सब्जी में पड़ती है। और एक छोटी इलायची भी होती है, जिसको हम चाय में भी डाल लेते हैं और हम लोग अपनी सब्जियों में भी डालते हैं। तो बात करते हैं अगर हम इलायची की, इलायची की इंग्लिश होती है कार्डमम। इलायची की इंग्लिश होती है कार्डमम। अब अगर हम बात करते हैं काली वाली जो बड़ी इलायची होती है, उसको हम लोग कहेंगे ब्लैक कार्डमम, क्योंकि वो काली होती है। और जो छोटी इलायची होती है ना, उसको हम लोग कहेंगे ग्रीन कार्डमम, क्योंकि वो हरी होती है। काली वाली को ब्लैक कार्डमम, और ग्रीन वाली को जो छोटी इलायची होती है उसको हम कहेंगे ग्रीन कार्डमम। अब हम लोग बात करते हैं एक ऐसी मिर्च की, जो कि देखने में तो बड़ी छोटी सी गोल गोल सी होती है, लेकिन खाने में बड़ी तेज होती है, उसको हम लोग कहते हैं काली मिर्च।
काली मिर्च देखने में बड़ी छोटी सी होती है लेकिन खाने में बड़ी तेज होती है, तो काली मिर्च की इंग्लिश होती है ब्लैक पेपर। अच्छा अभी वो काली मिर्च है इसलिए हम कह रहे हैं ब्लैक पेपर। आप लोग ने देखा होगा कि सफेद मिर्च भी एक आती है वैसी छोटी छोटी सी गोल गोल सी, उसको हम लोग कहेंगे व्हाइट पेपर। काली वाली को कहेंगे ब्लैक पेपर और सफेद वाली को हम कहेंगे व्हाइट पेपर। अब हम बात करते हैं एक ऐसी चीज का जिसका टेस्ट बहुत ही अच्छा सा होता है, उसकी स्मेल बहुत अच्छी होती है, नाम जिसका बड़ा ही भारतीय है, उसका नाम है जावित्री। अब जावित्री का अंग्रेजी नाम तो बड़ा ही अंग्रेजों वाला है, जिसका नाम है मेस। इंग्लिश में हम जावित्री को कहेंगे मेस। हम लोग अपने खाने में ना एक चीज और डालते हैं, दालचीनी। ये दालचीनी जो होती है ना, इसको हम लोग थोड़ी सी डालते हैं तो बड़ी अच्छी लगेगी, लेकिन थोड़ा सा भी ज्यादा हो गया ना तो टेस्ट बहुत बेकार हो जाता है। तो दालचीनी की अगर हम बात करें, दालचीनी की इंग्लिश होती है सिनेमन स्टिक। अब यहाँ पर स्टिक क्यों बोल रहे हैं, हर जगह तो हम सीड सीड या लीव्स बोल रहे हैं, स्टिक यहाँ पे इसलिए बोल रहे हैं। आप देखिए जब भी आप बाजार से दालचीनी खरीद के लाएंगे ना, दालचीनी हमेशा स्टिक के फॉर्म में आएगी, लंबी लंबी जनरली आती है, या तो उसका पाउडर आ जाएगा, लेकिन जनरली हम जब भी लाते हैं साबुत दालचीनी वो हमेशा स्टिक के फॉर्म में आती है, लंबी आती है, इसलिए हम उसको बोलते हैं सिनेमन स्टिक। सो गाइस दिस वाज आवर सेशन कि हम इंग्लिश में जो किचन के मसाले होते हैं ना उनको क्या बोलते हैं। अगर आप लोग को ये सेशन पसंद आया हो देन प्लीज गिव इट अ थम्स अप एंड डू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।